जिले के उमरी बेगमगंज थाना क्षेत्र के परास पट्टी मझवार गांव में बीते 3 अप्रैल को हुए दोहरे हत्याकांड में नया मोड़ आया। दोहरे हत्याकांड की इन सनसनीखेज वारदात की 46 दिन बाद आज पुलिस ने वारदात के मुख्य आरोपी मां की तहरीर पर मृतक के भाई और लखनऊ विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र नेता विजय सिंह उर्फ टिंटू समेत 3 लोगों को जानलेवा हमले का आरोपी बनाते हुए FIR दर्ज कर ली। पुलिस का दावा कि यह FIR घटना के समय के फोटो और वीडियो के आधार पर दर्ज है, जबकि मृतक के भाई ने गोंडा पुलिस पर विजय सिंह को घर से बुलाकर गायब करने का गंभीर आरोप लगाया, जबकि पुलिस विजय सिंह को फरार बता रही। बता दें कि लॉकडाउन के दौरान हुए इस हाई प्रोफाइल दोहरे हत्याकांड का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लिया था। हमारे गांव में 3 तारीख को हमारे परिवार में एक घटना हुई थी, मनरेगा के विषय में था। मनरेगा के में हम लोग शिकायत किए थे, यहाँ के कुछ दबंग प्रधान जो है वो और मनरेगा कर्मचारी यहाँ आए थे जांच करने। हम लोग गए जब वहाँ मौके पे, हमारे भाई लोग गए जब मौके पे, तो तुरंत वहाँ गोली शुरू हो गई, गोली वाली। उसके बाद में हम मौके पर पहुँचे जब, तो हमारे देखे भाई को गोली लगी है और दूसरे भाई हमारे विजय कुमार सिंह टिंटू सिंह घायल हैं और एक हमारा उनका PSO घायल है, दो हमारे अन्य साथी घायल हैं। इसकी सूचना थाने पर गई, थाने वाले आए मौके, हम लोग अब नहीं जानते कि आए कि नहीं आए। फिर हम लोग लेके भाई को अपने भागे हॉस्पिटल और अस्पताल से आए, फिर FIR दर्ज हुआ, 2 हत्या हुई उसमें। योगी जी का उसमें काफ़ी योगदान। थाना उमरी बेगमगंज अंतर्गत ग्राम परास पट्टी की प्रधान श्रीमती शैल कुमारी के द्वारा एक प्रार्थना पत्र 3 व्यक्तियों की चिकित्सीय परीक्षण के साथ उपलब्ध कराया गया था, जिस पर पुलिस द्वारा जांच की गई और पुलिस जांच में वीडियो फोटो व बयानात के आधार पर ये पाया गया कि जो दिनांक 3-4 की घटना थी वो द्विपक्षीय थी, दोनों पक्षों में फायरिंग की हुई थी। और इस तहरीर पर श्रीमती शैल कुमारी की प्रार्थना पत्र पर उमरी बेगमगंज पुलिस द्वारा अभियुक्त पंजीकृत किया गया और इससे संबंधित 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। इनमें से एक अभियुक्त देवेंद्र सिंह से की निशानदेही पर अवैध अद्दी बंदूक व एक जिंदा व खोखा कारतूस इससे बरामद हुआ है। इन सबों का पूर्व आपराधिक इतिहास भी है, विवेचनात्मक कार्रवाई अभी प्रचलित है, शीघ्र अन्य प्रगति से आप लोगों को अवगत कराया जाएगा। रियाज खान की रिपोर्ट।